Hello, good morning everyone. How are you all? Hope you all are doing well. This is Sahadev sir on behalf of Quizjarus. Welcome you all on this online learning class. Today in A standard we have unit 4 of poem Last Bargain in our English book Honeydew. So this wonderful poem is written by Rabindranath Tagore. You all know about Rabindranath Tagore, who has written our national anthem, who was born in Calcutta on 7th May 1861 and he died on 7th August 1941 at the age of 80. He has written our national anthem and he received later Nobel Prize for his great work Gitanjali. So let's go through this wonderful poem. So the last bargain, the title is given here. That means जो हम भावताल करते हैं, कोई भी दुकान पे जाते हैं और कोई चीज़ के लिए भी आप लोगों ने भावताल की होगी, आपने देखा भी होगा मम्मी पापा को. लेकिन यहाँ थोड़ा कंसेप्ट अलग है रविंद्रनाथ टैगोर का, कि वो बताना क्या चाहते. We will understand that through this paragraph which is given here. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Bargain एक promise होती है, ऐसी एक सौदा होता है, ऐसा दो parties के बीच, दो इंसान है उसके बीच सौदा होता है कि ये final किया जाता है और उस पर दोनों पार्टी अग्रीज होती है, उसे हम बार्गेन करते हैं, एक सौदा होता है. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. कोई है जो राह देख रहा है कि कोई उसे काम पे रख दे. और ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन एट बट थिंग्स इट वर्थलेस. पहली बार उसे एक बार्गेन मिलता है, एक सौदा होता है, लेकिन उसको लगता है कि वो उसके लिए प्रॉपर नहीं है तो वो मना कर देता है, उसे अच्छा नहीं लगता है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डज नॉट लाइक आइदर. वो दो बार ऐसे प्रयत्न करता है, दूसरे दो बार्गेन होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो कंफर्टेबल नहीं है वो सौदों के साथ और वहाँ भी वो नहीं रुकता है और चला जाता है. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, जो फाइनली जो लास्ट बार्गेन है जो हमारा टाइटल है, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर. लेकिन उसको हायर किया जाता है इस बार विदाउट पेइंग और टेकिंग एनीथिंग, कुछ भी लिए या दिए बिना उसको हायर किया जाता है. तो ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. अभी वो इतना खुश है जितना वो कभी पहले नहीं था. उसके साथ ऐसा सौदा हुआ जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिना कोई मतलब, बिना कोई कुछ देना लेना एक सौदा होता है. What is bargain? Bargain क्या है and why is it the best? और ये bargain क्यों best है यहाँ बताया गया है. तो let's go through the poem. First line, come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. यहाँ आई का मतलब है जो poet है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, खुद उन्होंने अपने लिए आई का use किया है, तो यहाँ confused मत होना. क्राइड यानी वो चिल्लाते रहते हैं, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे कोई भाड़े पर नौकरी रख लो, कोई मुझे काम दे दो. वाइल इन मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. स्टोन पेव्ड रोड यानी जो पत्थरों से बनी सड़क है उस पर वो चल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे कि कोई काम पे रखो. अ स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. तो हाथ में तरवाल पकड़े, स्वॉर्ड यानी तरवाल, राजा अपने चैरियट में वहाँ से गुजरता है, वहाँ देखता है उसे. ही हेल्ड मी हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विथ माई पावर, जो मेरी ताकत है, माइट है, उसे मैं तुम्हें हायर करूँगा, तुम्हें काम पे रखूँगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट. नॉट का मतलब यहाँ पे है नथिंग, लेकिन उसकी पावर का कोई मोल नहीं था. एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, लेकिन कुछ हुआ नहीं इसकी वजह से, उसकी पावर का कुछ
असर नहीं हुआ और वो रथ पर वापस चला गया वहाँ से। तो ये पहला उसका बार्गेन था जहाँ वो राजा से मिला, और लेकिन जो उनका सौदा हुआ उसकी कोई असर हुई नहीं पोएट के ऊपर, और वहाँ से वो राजा चला जाता है। इन द हीट ऑफ मिड डे, मिड डे यानी दिन के बीचों बीच, जब दोपहर के 12-1 बजे, तभी द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, पूरे सभी घर के दरवाजे बंद थे, गर्मी ज़्यादा थी इसीलिए। आई वंडर अलोंग द क्रूक्ड लेन, वंडर यानी घूमना, यहाँ पे मैं क्रूक्ड लेन यानी कि जो गलियाँ होती है आड़ी टेढ़ी, जो रास्ते होते हैं लेन, वहाँ वो घूम रहे थे। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग, बैग ऑफ गोल्ड, एक ओल्ड मैन बाहर आता है जिसके पास सोने से भरी हुई एक बैग थी। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, पॉन्डर्ड यानी विचार करना, सेकंड लास्ट लाइन में है। आई विल हायर यू विथ माई मनी, मेरे पास जो पैसे है उसके बदले में मैं तुम्हें खरीदूंगा यानी तुम्हें काम पे रखूंगा वो पैसों से। ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन बट ही टर्न अवे, उन्होंने वेट यानी वजन किया अपने जो कॉइन्स थे उनके वन बाय वन, लेकिन फिर भी जो पोएट थे वो वहाँ से चले जाते हैं, उनको सौदा मंजूर नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन बे हिज वॉज ऑल अ फ्लावर। तो यहाँ जब इवनिंग में वो आगे बढ़ रहे थे तब एक गार्डन, गार्डन की जो हेज होती है, यानी आपने देखा होगा कि जब मंदिर का रास्ता कोई गार्डन का रास्ता हो तो एक अच्छे एक ही जैसे प्लांट से एक कॉर्डन किया होता है, कवर किया होता है, और उसके ऊपर जो फूल खिलते हैं ना उसकी यहाँ बात की है। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक फेयर मेड, एक सुंदर औरत वहाँ आती है और वो बोलती है, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, मैं तुम्हें हायर करूँगा बिना कुछ लिए, अकेले मेरे स्माइल से, जो मेरा सुंदर स्मित है उसके बदले में तुम्हें हायर करूँगी, काम पे रखूँगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इन टू टीयर्स, लेकिन समय पसार होते हुए उसकी जो स्माइल थी वो भी आंसुओं में बदल जाती है। एंड सी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क, वो भी अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो जाती है। द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोकन वेवर्डली। तो जब सूर्य प्रकाश रहा था इवनिंग में और जो धूप उसकी गिर रही थी सैंड पे तो चमक रही थी, और एक रोशनी अलग ही और प्रसरी हुई थी चारों ओर, लेकिन जो वेव्स दरिया में आती है वो अलग अलग जगह फैल रही थी चारों ओर। आपने देखा होगा कि वेव्स आती है और फैल जाती है। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ सेल्स, वहाँ एक बच्चा सेल्स जो शीप आते शंख आते उससे वो खेल रहा होता है। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, उसने अपना सिर उठाया जैसे वो जानता है, वैसा देखा उसने और मुझे कहा, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें हायर करूंगा बिना कुछ लिए। अब फ्रॉम हेंसवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी फ्री मैन। तो जो वहाँ बार्गेन हुई वो बार्गेन मुझे अच्छी लगी, वहाँ जो हमारा सौदा पक्का हुआ और उसके साथ खेलने लगा और स्वयं को आज़ाद व्यक्ति पाया, और ये बार्गेन मुझे सबसे बेस्ट लगता है। जहाँ चार बार्गेन की बात की है रविंद्रनाथ टैगोर ने, पहला जो राजा के साथ सौदा होता है जो पावर से रखना चाहता है लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगता है और राजा वहाँ से चला जाता है। बाद में ओल्ड मैन जो पैसों से खरीदना चाहता है वो सौदा होता है लेकिन वो भी मंजूर नहीं होता है कि पैसा भी कब तक रहेगा, वो खुशियाँ नहीं देगा वो। बाद में जो औरत के साथ सौदा होता है एक स्माइल का, स्माइल से उसे काम पे रखती है लेकिन वो भी समय जाते चला जाता है। लेकिन अभी जो लास्ट में एक लास्ट बार्गेन जो टाइटल है हमारे पोएम का, वो यहाँ क्लियर होता है कि ये सबसे अच्छा सौदा उन्होंने काउंट किया है, कि जो बच्चा होता है बहुत ही चंचल होता है, बहुत ही एक ऐसा सौदा जहाँ
कुछ ना देना है ना कुछ लेना है, बस उनको बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। और वो जो दिल से फील करना चाहते हैं कि बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए उनके साथ खेलने में इतने घुल मिल जाते हैं कि उनको बहुत ही अच्छा लगता है और वो सौदा उनको मंजूर है। तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक अच्छी तरह से द लास्ट बार्गेन को प्रेजेंट किया है। नाउ वी विल राइट गिवन क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द पीडीएफ।